यदि आप फ्रेशर हैं, आपने कहीं काम नहीं किया है, आप SIS कंपनी में आना चाहते हैं, तो इस तरह से ट्रेनिंग कर 22 दिन की ट्रेनिंग कर आप भी SIS में आ सकते हैं। एक कड़ी मेहनत कर आप भी SIS पर सुरक्षा जवान का पद ले सकते हैं। आज हम लोग सब लोग ट्रेनिंग सेंटर से आए हैं, जैसे ये आए चूरू से आए, और कुछ लोग जो पर्सनल जो बताए कि अभी दोस्त बताए ना, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि एक बार बता के उठ के बताना है कि हम कैसे आए आज ट्रेनिंग सेंटर से, आप ट्रेनिंग सेंटर में कैसे आए हो, एक बार वन बाय वन करके। जिनने मेरे को बताया था कि हम अपने रिलेशन से आए, वो लोग बताएगा। जो न्यूज़पेपर से आए हैं वो ठीक है, उनका तो हमने समझ गए कि न्यूज़पेपर से आए हैं। जो पर्सनल रिलेशन से आए हैं वो अपने दोस्त का नाम और कहाँ, क्या नाम है उसका, और आप कैसे आए हैं एक बार उनको बताना है। बताइए। मेरे साथ तो में जोर से टीचर करें। रहते थे, हाँ मेरे साथ में जो टीचर थे वो पढ़ाते थे, मेरे साथ में स्टाफ थे, तो उसके साथ वाला था, तो वो क्या है कि वहाँ कैंप करने चले गए तारानगर में। तो उसने मेरे को सूचना दी कि ऐसे ऐसे SIS की कोई कंपनी आई हुई है और तुम आओ वहाँ इंटरव्यू दो। ओके। हाँ तो वो ऑलरेडी SIS में है। हाँ वो ऑलरेडी SIS में हाँ काम करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, गुड। हाँ सचिन तो नाम उनका है, नाम क्या, नाम क्या है? सचिन। सचिन कहाँ पोस्टेड है? वो है सर यहीं के गांव में, डिफेंस में। डिफेंस में। हाँ बहुत बहुत गुड। और एक आपके पापा जी हैं। हाँ हमने बताया था पापा को कि वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ तो वहाँ से आप हो जाओ, क्योंकि तो ये अच्छी कंपनी है, इसीलिए पापा ने आपको भर्ती किया है। ठीक है, बैठ। और एक और फिर मैम ने बोला था सर, हम 1.5 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी, 1.5 साल से कर रहे हैं इस पर। जी जी तो रोहित ने आपको बताया है, आपको बताया और आप जी जी आ गए। चले रहते हैं तो जब अच्छा होगा तभी तो रोहित ने बताया। जी, समझ गए। एप्पल मूल में कर रहे हो 1.5 साल से जो मैं रोल लिया सर। मैं जी बहुत बढ़िया, गुड, बैठ। और कौन सा एक कंपनी अच्छी है तो आपके सामने, इतने लोगों के सामने, मूल में जो कर रहे हैं 3 या 4 लोगों के सामने रोहित, दिख रहे हैं एप्पल वाले में कर रहे हैं। आपको पता होगा जब अच्छा है तो तभी आप भी भेजता है, समझ गए। नहीं तो इनके पापा क्यों भेजते, इनके दोस्त क्यों बताते, और उनके दूसरे दोस्त उनको क्यों बताते। यदि गंदा होता तो कोई नहीं बताता है, जब अच्छा होता है तो हर कोई बताता है। ठीक है, वहां से आप जाइए। और अब आप कंपनी में 2-4 चीजें ध्यान से सुन लीजिए, ये 2-4 चीजें मत करना। पहला, 3 W होते हैं। पहला W होता है ओमन, ओमन से छेड़छाड़ ना करें। दूसरा W होता है, शराब पीते हैं आप लोग? नो सर। नो वाइन पीते भी होंगे तो, नहीं भी पीते हो तो ठीक है, पीते भी होंगे तो वाइन, वाइन को कभी भी ना छुना पोस्ट पर, ड्यूटी पोस्ट पर। अब वाइन के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है कि वाइन सामने तो वाइन बोल दिया, वाइन नहीं, उसके साथ बीड़ी सिगरेट गुटखा सारी चीजें, जितने भी नशीले पदार्थ वाली चीजें हैं वो सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि वो वाइन पे तो अलाउ ही नहीं है, समझ गए। और वो सारी चीजें भी नहीं करनी है। और तीसरा, झूठ बोलना, ये सारी चीजें नहीं चलती। और आप इस तरीके से 60 साल तक आपकी नौकरी से, ठीक है यस सर, ये समस्त जानकारी आपको मिली। अब ड्यूटी पोस्ट पर आप जाएंगे तो ये चीजें आपको वहां पर देखनी चीजें नहीं है, सब ऑनलाइन सिस्टम है इस कंपनी में। अटेंडेंस है वो भी ऑनलाइन आती है, आपको डेली बेसिस पे पता लगता रहता है कि हमारी क्या अटेंडेंस है, कितनी हमने ड्यूटी की है, कितनी हमारी अब्सेंट है। और आप गांव चले जाते हो छुट्टी लेके, आने में भी लेट हो गए तो पैसा नहीं कटता, सैलरी आपके घर पहुंच जाती है। ये चीजें आपको कंपनी बताती है और आपको दिखता है और आप लोगों को बताओ, लोगों को बताने के मोटिव से आपको पता भी लगता है। लड़कों को भी बेरोजगार सभी ढूंढते हैं, सबको चाहिए रोजगार, बच्चे पालने के लिए। अगर आप लोगों को बच्चे नहीं पालेंगे तो कैसे काम करेंगे, पढ़ लिए नौकरी का दरिया तो बता नहीं पाता, एक तो वो आपको आगे के लिए बताएगा। तो ये चीजें आपको आगे बढ़ेगी, पढ़ाई आपको और आगे बढ़ाएगी। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल के बंदे हैं, तैयारी की, साइट पे विजिट करी, विजिट करते समय पता लगा पूरे 2 साल से नौकरी कर रहे हो उस साइट पे, तो उस साइट पे ये भी देख रहे हो कि पढ़ाई क्या है, काम आ रही है, उस पढ़ाई का क्या महत्व है, तो उसी के वह पे आप आगे के लिए सुपरवाइजर भी प्रमोट किया है। मेन पावर को आप संभाल रहे हो,
क्लाइंट से लाइजिंग आपके बढ़िया आ रही है, फीडबैक जब भी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारे ऑफिसर जा रहे हैं, हमारे ब्रांच हेड जा रहे हैं, कह रहे हैं यार तुम्हारे अजीत लड़का ठीक है, ये जो जा रहा है जब भी देखा है मैंने इसका लड़के का एक्टिव मिला है, काम करने में भी एक्टिव है, कोई लापरवाही नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता और सबसे क्वाइटली बात भी करता है, स्टाफ भी इसको पसंद करता है, लाइक करता है। तो वो चीजें आपकी आगे निकालिए, उन चीजों से आपको आगे बढ़ावा मिलेगा, आप आगे सोचोगे कि सर हम तो गार्ड हैं, आगे फैमिली कैसे चलेगी, कैसे नहीं, उनको भी यहाँ मिलता है फायदा, फैमिली के जैसे अब ये आए हैं लड़का इनका अभी है, जो आपका 30 रुपये सेवा भत्ता कटता है उसका 1,00,000 रुपये आपको तुरंत आपके घर पहुँच जाएगा, बाकी जो आपका PF है, जो ग्रेजुएटी है, वो आपकी फैमिली को बता दी जाएगी, इसी स्टेट को आना है और इसी स्टेट को आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होने हैं, तो वो पैसा भी आपके घर चला जाएगा, घर हो हाउस वाइफ है, पता लग रहा है कोई ऐसा परिवार नहीं चल रहा, हमारी कंपनी उसको एक ऑप्शन देगी कि आप अपने ऐसे इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो कहती है ठीक है सर मेरे को एक रास्ता ये मिल रहा है बहुत अच्छा है, फिर हमारी कंपनी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है तो उसको ऐसी जगह पे साइड पे लगाते हैं जिससे उसका रोजगार चलता है। ऐसे केसेस मेरे सामने मेरी यूनिट में 2 हुए हैं, आपको वो मैं उसके बारे में बता दूँ, एक गार्ड था हमारा, मैं डिफेंस कॉलोनी में था तो वहाँ पे ऑन ड्यूटी किया था कि मैं ऑफ करके घर गया, जाते समय गाड़ी आई, गाड़ी ने उसको टक्कर मारी, वो बैरिकेड के ऊपर पड़ के उसके हमारी टीम वहाँ पे गई, हॉस्पिटल लेके गई, फिर उससे घर पे गई, राजस्थान से, चूरू जिले से, क्या नाम हुआ आपका? शीशराम, कल आपसे बात हुई, आप सर्विस बिपिन।